सिंगरौली से अमित पांडे की रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया न्यूज। एक खनिज विभाग ने एक बार फिर अवैध उत्खननकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की है। खनिज अधिकारी सावन सिंह चौहान ने बताया है कि शिकायतकर्ता के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि चिचली में नर्मदा नदी किनारे अवैध उत्खनन हो रहा है। सूचना प्राप्त होते ही खनिज अधिकारी श्री चौहान ने तत्काल खनिज निरीक्षक रीना पाठक को दल के साथ मौका स्थल पर पहुंचाया। मौका स्थल पर पहुंची खनिज निरीक्षक पाठक ने बताया कि दल को देखकर एक जेसीबी और ट्रैक्टर भागने का प्रयास कर रहे थे। दोनों ही वाहनों को होमगार्ड जवानों की सहायता से पकड़े गए। दोनों वाहनों को पुलिस चौकी हलटक्का की अभिरक्षा में खड़ा करवाया गया है। साथ ही उनके विरुद्ध मध्य प्रदेश खनिज नियम 2022 के तहत प्रकरण पंजीकृत किया गया। मैडम, आज ये जो कार्रवाई की है उत्खनन पर, कहाँ पर की? ग्राम चिचली में अवैध रेत उत्खनन की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। नर्मदा किनारे रेत का अवैध उत्खनन का कार्य किया जा रहा था, तो एक जेसीबी और एक ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की है। इन पर क्या कार्रवाई हो रही है मैडम? मध्य प्रदेश गौण खनिज के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में भी इस मशीन और ट्रैक्टर के द्वारा अवैध उत्खनन करते हुए पकड़ा गया था। पिछले सप्ताह में भी एक जेसीबी और ट्रैक्टर जब्त किए हैं रेत के अवैध उत्खनन करते हुए नर्मदा नदी किनारे से। अच्छा मैडम, अन्य जगह पर भी कार्रवाई की जाएगी क्या? लगातार कार्रवाई चल रही है, हम लोग और कार्रवाई कर रहे हैं। खरगोन से रियाज खान की रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया न्यूज। आप देख रहे थे टीवी वन इंडिया न्यूज। आजाद भारत की आवाज, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए टीवी वन इंडिया न्यूज के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।